दोस्तों नमस्कार, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब हमको वीडियो डाले हुए बनाए हुए लगभग 4 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है और मैं गांव चले गया था। साथियों, फिर से हम पढ़ाई पर जुड़ जाते हैं और आइए हम प्रॉफिट एंड लॉस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चनों से आपको जोड़ने का प्रयास। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैथमेटिक्स में रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ और काम मुझे भी पड़ते हैं, तो मैं गांव जाके आया कुछ मेरे निजी कारणों की वजह से। आइए अब हम पढ़ाई की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी भूमिका के आपको क्वेश्चनों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सभी जुड़ जाइएगा और जितने भी अपने साथी हैं जो पहले पढ़ते थे और जो नए हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दे, अपने सभी मित्रों को बता दे कि सर आप आ चुके हैं वापस गांव से और रोज क्लास लेते हैं, अब आपकी रोज क्लास लगेगी। और आज भी बस मैं अभी आके पहुंचाई हूँ, तो आज मैं ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा, थक रहा हूँ अभी, तो आइए। लेकिन आपकी वजह से मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। आइए साथियों, जुड़ जाते हैं सभी और आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस में हम 30 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 30 क्वेश्चन आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पर पढ़िएगा आप क्वेश्चन, मैं 31 को समझाने का प्रयास और देखना। साथियों आप लोग प्लीज पिछली वीडियो, दोनों वीडियो को देखना, प्रॉफिट एंड लॉस की, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत अच्छा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ और क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो प्लीज आप पिछली वीडियो को देखना, क्या लाभ परसेंट का सूत्र मैंने बताया, क्या हानि परसेंट का सूत्र मैंने बताया, लाभ हानि की गणना किस पर की जाती है, ये सारी बातें मैं आपको पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड वीडियो में मैंने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई और आज प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड वीडियो है जिसका हम अभ्यास करते हैं। तो लीजिएगा, 31 क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आप पढ़िएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 450, और मैं कितनी घड़ी बेच रहा हूं साथियों? 14। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? अब मुझे एक घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। आप में से कौन बताएगा? मेरे प्यारे दोस्तों 31 क्वेश्चन है, मुझे दे रखा है लाभ, मैंने आपको बताया लाभ दे रखा है, तो लाभ का सूत्र लिख दीजिएगा। लाभ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और यही आपने जाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग केवल इस बात को जानेंगे कि जितनी घड़ी मैंने बेची है उतनी ही तो खरीदी होगी। मैंने कहा 14 घड़ी बेचने पर, तो इसका मतलब 14 घड़ी मैंने खरीदी है। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये 4 का क्या आ जाएगा? 4 का सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है 14 घड़ियों को बेचने पर, तो 14 घड़ियों का क्या आ जाएगा? एसपी माइनस 14 घड़ियों का क्या आ जाएगा? सीपी। 14 घड़ियों के विक्रय मूल्य में से 14 घड़ियों के क्रय मूल्य को घटा दीजिए, 4 घड़ियों का क्रय मूल्य आ जाएगा आपके सामने। बात क्लियर हो रही है? मैंने क्या कहा? लाभ दे रखा है तो लाभ का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हानि दे रखा है तो हानि का सूत्र लिख दीजिएगा। बिल्कुल इजी सवाल है। 14 घड़ी बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं, तो 14 घड़ी बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ की सिद्ध में मैंने लाभ लिख चुका हूं, विक्रय मूल्य की सिद्ध में विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस की सिद्ध में कॉस्ट प्राइस। आप पक्षांतरण कर दीजिएगा, ये 14 उठ के इधर आ जाएगा 18, 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18। ये प्लस का आएगा बराबर 14, एक का विक्रय मूल्य कितना है? ये मुझे दे रखा है एक घड़ी का विक्रय मूल्य 450, ये 450। मुझे एक का क्रय मूल्य बताना है, तो ये बताएंगे आप में से कौन बताएगा? 18 से मैंने इसको काट दिया, तो 18 दूनी 36 बचे 9, 18 5 90। सीपी एक का क्रय मूल्य बराबर 2500, 10 25 25 और 10 कितना आ जाएगा? 35। बताइए एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 350 इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग क्लिक कीजिएगा, जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है 350 पे क्लिक कर देना। अगला क्वेश्चन प्लीज, तैयार रहें टेक्निकल टीम, तो अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहें। देखो साथियों,
क्वेश्चन नंबर 32। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट सवाल है, आप लोग करने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारा सवाल है। स्क्रीन पे पढ़िएगा, क्वेश्चन सेट हो चुका है, आप लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 32, ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। ए ने कोई वस्तु बेची और किसको बेची, बी को बेची। ये ए ने कोई वस्तु बेची कितने परसेंट लाभ पे, 10% लाभ पर बी को बेच दी, ओके। लेकिन बी उसको अपने पास नहीं रखता है, बी उस वस्तु को वापस ए को 10% आने पर बेच देता है। बी वापस उसको बेच देता है कितने परसेंट आने पर, 10% आने पर किसको बेच देता है, ए को बेच देता है। आपसे ये पूछा पूरे सौदे में किसको लाभ हुआ, ए को लाभ हुआ कि बी को लाभ हुआ कि दोनों को लाभ हुआ है, क्या दोनों को हानि हुई है कि न लाभ हुआ कि न हानि हुई, क्या हुआ है, सवाल यह है। कोई भी वस्तु है, माना कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैंने बी को बेच दिया कितने परसेंट लाभ पे, 10%। बी को वो मोबाइल पसंद नहीं आया, उसने कहा कि आपका मोबाइल मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा मोबाइल पसंद नहीं आया तो आपने खरीदा क्यों, अब तो मैं नहीं लूंगा इसको। बोला नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं लोगे तो मैं घाटे में ही बेच दूंगा भले से, लेकिन मैं रखूंगा नहीं। तो उसने 10% लॉस पर वापस मुझे दे दिया। अब बताओ मेरा मोबाइल मेरे पास आ गया, पहले मेरे पास ही था मेरा मोबाइल। अब कुल मिला के सवाल का रिजल्ट क्या कहता है देखना आप साथियों, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है। ऐसा सवाल आता है और देखने पर ऐसा लगता है मेरी वस्तु मेरे पास ही आ गई, न प्रॉफिट न लाभ, न लाभ न हानि, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। देखना किसको लाभ होगा ये मैं बता देता हूं, इधर देखना आप लोग। ए ने बेचा किसको बेचा, बी को। माना कि ए ने कोई वस्तु का क्रय मूल्य, ए ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी थी, मेरे पास जो मोबाइल था वो 100 रुपये का था, मैंने उसको बी को बेच दिया। अब आप में से कौन बताएगा 10% प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये परसेंटेज की वैल्यू 100 पे तुलना की जाती है, 100 ही मैंने माना है, तो इसको मैंने कितने में बेचा, 110 में। मेरा मोबाइल कितने का था, 100 रुपये का, मैंने कितने में सेल आउट किया, 110 में। अब इसने मेरी जेब में तो 110 रुपये आ गए, मोबाइल मैंने दे दिया, वापस इसने मेरे को ही दे दिया कितने परसेंट आने पे, 10% आने पे। अब आप में से कौन बताएगा जब इसने इस मोबाइल को मेरे को वापस दिया तो कितने रुपए में दिया होगा, 110 का कितना परसेंट, 90/100, 10% आने पे, 10% की फ्रैक्शन बना लो, 1/10, 10 रुपये का माल, 1 रुपये आने पे, मतलब 9/10 ये कट जाएगा, तो 9/10 ही तो आएगा, 0 से 0 11999। आइए साथियों, अब आप में से प्लीज इस बात को समझना, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 5 सेकंड का सवाल है, आपको समझने में कितना टाइम लगता है ये महत्वपूर्ण बात है। मेरे पास मोबाइल था 100 रुपये का था, मैंने उसको 110 रुपये में बेच दिया। अब आप में से कौन बताएगा साथियों, मेरे पास से मोबाइल गया, मेरी जेब में आ गए 110 रुपये, अब प्रेजेंट टाइम में मेरी जेब में कितने रुपये हैं, 110 रुपये। अब आप में से कौन बताएगा मैं इसको, इसने मेरे को वापस इस बी के रुपये कितने लगेंगे, 110 रुपये, मेरे जेब में 110 रुपये आ गए, इसने वापस मेरे को मोबाइल दे दिया, अब मैं इसको वापस कितने दूंगा, 99 रुपये, ओके। 110 में से कितने रुपए दूंगा, 99। अब बताओ मुझे मेरे जेब में बचेंगे कि ग्रह में से जाएंगे, तो आप कहोगे सर मुझे तो लाभ हुआ, मैं ए हूं ये बी है, तो बताओ किसको लाभ होगा, ए को लाभ होगा, ए को क्या होगा, लाभ। अब बताओ ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, मेरी जेब में 110 थे, उनमें से मुझे 99 रुपये तो देने पड़े, कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 11 रुपये का लाभ। ए को, ए को आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है, बताओ क्या है, ए को न लाभ न हानि, नहीं गलत बात, ए को 11% का लाभ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए को कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा साथियों, 11% का लाभ हो जाएगा। किसको लाभ होगा, ए को लाभ होगा, बी को लाभ नहीं होगा, बी को तो हानि होगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप रिजल्ट क्या समझे, मेरा मोबाइल था मेरे पास आ गया, मेरी जेब में 110 रुपये आए, मुझे 99 रुपये तो देने पड़े वापस, बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ, 11 रुपये का। 100 पे कंपेयर कर रहे हैं इसलिए परसेंटेज लगा देंगे, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब आप रिजल्ट क्या सीखोगे, यदि कोई वस्तु में किसी, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु बेचता है, वापस उसी को वो वस्तु वापस आ जाती है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर ही प्रॉफिट को दर्शाता है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। एक सवाल और लेके आ रहा हूं मैं, उसमें डायरेक्टली आप लोगों से पूछूंगा, इसलिए प्लीज गौर करना मेरी बात पे, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर ही प्रॉफिट को दर्शाता है, और किसका प्रॉफिट होगा, ये जो सेल आउट कर रहा है ना उसको प्रॉफिट होगा, इसने तो सेल आउट किया तो इसको लाभ होगा, दोनों के विक्रय मूल्यों का अंतर। आइए साथियों, कितने रुपए का अंतर आएगा, 11 का, तो 11% का क्या हो जाएगा, लाभ। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, और फिर भी समझ में नहीं पाया
तो प्लीज मैं एक और सवाल सेम टू सेम लेके आ रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा मोस्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, जुड़े रहेंगे, अगला सवाल देखेंगे आप लोग 15 मिनट जी। तो साथियों अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, केवल संख्याएं परिवर्तित की है। देखना मेरे प्यारे साथियों क्या है क्वेश्चन नंबर 33, आप क्वेश्चन को जमा दीजिएगा, स्क्रीन पर पढ़ लीजिएगा, आंसर देने के प्रयास करें। एक्स द्वारा 150,000 रुपए का मकान 5% लाभ पर बाई को बेच दिया। एक्स ने बेचा, किसको बेचा? बाई को बेचा। 150,000 रुपए का था ये, 150,000 मैंने यहां लिख दिया, ओके। आगे सुनो, 5% लाभ पर बेचा, ये 5% लाभ पर इसको सेल आउट कर दिया। बाई उसे एक्स को 2% आने पर बेचता है। बाई ने उसे बेचा, किसको बेचा? एक्स को। कितने परसेंट आने पर? 2% आने पर बेचा। इस क्रय विक्रय का परिणाम क्या रहा? अब मुझे यह बताना है कि इस क्रय विक्रय का परिणाम क्या रहा, इसमें किसको लेन देन, किसको क्या हानि हुई? अब आप में से कौन बताएगा? साथियों एक्स ने किसको बेचा? बाई को। 5% लाभ पे बेचा, तो आप में से 150,000 गुणा 105/100, या फिर आप 21/20 लिख सकते हो। 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, 20 रुपए का माल 1 रुपए लाभ पे, 21/20, और ये काटेंगे तो वही बनेगा। जिसको फ्रैक्शन याद है वो डायरेक्ट एक बार ये लिख सकते हो। अब मैंने ये 0 से 0 उड़ा दी, मैंने 2 से काट दिया, 2 संत 14 बचो 1, 2 5 10, और ये 00 गुणा करना मुझे 157,500 रुपए में इसको बेच दिया। किसको बेचा? बाई को। कितने रुपए का? 150,000 रुपए का। इसकी जेब में कितने आ गए? 157। लेकिन इसने वापस इसको दे दिया, इसने वापस इसको दे दिया, तो बताओ इसने कितने रुपए में दिया? तो 157,500 गुणा 2% आने का मतलब 98/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को गुणा करना है, तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा देखिएगा साथियों, ये आप गुणा कर लेना, मैंने डायरेक्ट ही गुणा करके यहां पर लिख दिया। और आपको मैंने क्या बताया? अब आप में से कौन बताएगा? मेरा मकान वापस मेरे पास आ गया, जितने का भी था वो मेरी जेब में कितने आए थे? 157,500, मैंने कितने चुकाए? 154,350 रुपए। अब बताओ मुझे क्या होगा लाभ? लाभ कितने का होगा? दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 157,500 माइनस 154,350, तो ये 50 तो ये बच जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये 1 और ये आपके पास कितना बच जाएगा? 3,150 रुपए का लाभ किसको होगा? एक्स को। मैंने आपको सीधा सीधा से कॉन्सेप्ट बताया, इसने इसको बेचा, ये रुपया आ गए इसके जेब में, वापस इसने इसको दे दिया, इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? इतने। किसको लाभ होगा? एक्स को। कितने रुपए का? इन दोनों का अंतर, दैट्स ऑल, खत्म बैठे। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐसा लग ही नहीं रहा होगा आपको कि 4 दिन की छुट्टी आ गई हमारी, 3 दिन की छुट्टी आ गई, बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी। आप कोशिश कीजिएगा, अगला सवाल फिर मैं तैयार हूं, देख लीजिएगा साथियों, अगला सवाल के साथ तैयार रहे साथियों, बहुत ही प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पाठ्य पुस्तक 12,000 रुपए में खरीदी। अच्छा, 200 पाठ्य पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है? 12,000। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मिल जाएं। कितने का लाभ हो जाए उसे? 20 पुस्तकों का। तो पुस्तकों का कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? लाभ परसेंट मुझे बताना है। कौन बताएगा? 200 पुस्तकों का क्रय मूल्य, का क्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है साथियों? 12,000 रुपए है। सवाल ये कह रहा है कि लाभ मुझे हो रहा है लेकिन 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो आप में से कौन बताएगा 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य? 20 पुस्तकों का मूल्य, तो आप में से कौन बताएगा? कितना ईजी है, कहीं काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, इसमें से 1 जीरो हटा दी, इसमें से 1 जीरो हटा दी, तो 200 की जगह पर क्या रह जाएगा? 20, और यहां पर कितना रह जाएगा? 1200। ये लो ईजी सवाल। अब मुझसे पूछा लाभ कितने का है, लाभ परसेंट मुझे बताना है। मैंने क्या बोला कि 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होना चाहिए, तो ये 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। लाभ परसेंट का सूत्र लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है? 12,000 गुणा क्या हो जाएगा? 100 आपका, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, और ये आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 10% का लाभ हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है, 200 पाठ्य पुस्तक
मैंने 12,000 रुपये में खरीदी तो 20 पुस्तकों के बराबर मुझे लाभ मिल जाना चाहिए। 20 पुस्तकों का क्रयमूल्य कितना आ जाएगा? 1200। लाभ परसेंट का सूत्र लाभ बटा क्रयमूल्य गुणा 100, 10% का बेनिफिट। बताओ कोई डाउट हो किसी को? थैंक यू, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अगला सवाल देखना साथियों, 35 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है देखना, कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 12.5% का लाभ होता, वस्तु का क्रयमूल्य कितना है? कितना है जी सवाल है, आप लोग चाहो जैसे कर सकते हो। 10% हानि पर बेच रहा है। मैंने ये कहा कि क्रयमूल्य कितना होता है साथियों? 100 होता है। क्रयमूल्य हमेशा 100% ही तो होता है। 10% हानि पर बेच रहा मतलब कितने में? 90 रुपये में। और यदि वह 9 रुपये अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 12.5 का, 112.5। ओके, कितने रुपये अधिक पर बेचने पर? 9 रुपये अधिक बेचने पर। 9 रुपये अधिक बेचने पर। आप में से कौन बताएगा? ये केवल एक काल्पनिक चीज है, ये ओरिजिनल चीज है, इसका कंपेयर इनसे करना, बस यही तो इकाई सिस्टम होता है। 10% हानि का मतलब 90 रुपये में बेचा। यदि मैं 9 रुपये ज्यादा बेचता हूं तो 12.5% का लाभ होता है। 12.5% का मतलब 112.5। अब आप में से कौन बताएगा इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है? 9 रुपये दे रखा है। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया? 22.5 इकाई बराबर 9 रुपये। तो एक इकाई बराबर 9/22। और मुझे मालूम है क्रयमूल्य किसका परसेंट, क्रयमूल्य कितना परसेंट होता है? 100 इकाई बराबर 9/22 ये गुणा 100। पॉइंट हटाई नीचे 0, 9 से काटा, 25 नाम 225, 25 चौक 100, और ये आपके पास आ गया कितना? 40 रुपये क्रयमूल्य। बताओ कोई प्रॉब्लम हो? कितना इजी सवाल है, बताइएगा कोई डाउट्स किसी प्रकार का? नो डाउट साथियों। आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, आप लोग इसको यूं भी कह सकते हो, 10% आने पर ओके, 9 रुपये ज्यादा तो 12.5% का लाभ होता है। ये लो पक्षांतर कर दूंगा एक साइड, तो 9 रुपये बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 22.5%, 1% बराबर 9/22, तो 100% बराबर 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर वही आएगा कितना रुपया? 40। इतना इजी सवाल है, बताओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए सवालों में। आइए साथियों, आज हम अगला सवाल लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा, ये 36 में स्क्रीन पर लगवा चुका हूं, क्वेश्चन कितना प्यारा है ये देखिएगा आप। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। 524 रुपये में बेच रहे हैं तो मुझे क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? लाभ हो रहा है, लेकिन उतना ही लाभ हो रहा है जब मैं उसे 452 रुपये में बेचने पर मुझे हानि होती है। 452 रुपये में बेच रहे हैं तो मुझे क्या हो रही है मेरे प्यारे साथियों? हानि हो रही है। मुझसे पूछा उस वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों मुझे क्या बताना है? क्रयमूल्य बताना है। आइए साथियों, कितना इजी सवाल है, देखो आप 524 रुपये में बेचता हूं तो लाभ होता है, और 452 रुपये में बेचता हूं तो मुझे क्या होती है? हानि। लेकिन जितने रुपए का लाभ होता है उतने रुपए की क्या होती है? हानि। तो मैंने क्रयमूल्य मान लिया यहां पे x रुपए, क्रयमूल्य क्या मान लिया? x। आप जानते हो लाभ का सूत्र क्या है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। और हानि का सूत्र क्या है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, दोनों बराबर है। ये लाभ का फॉर्मूला हो गया यहां से यहां तक, और ये किसका फॉर्मूला हो गया? हानि का फॉर्मूला हो गया। लाभ और हानि आपको इक्वल दे रखी है, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है। यदि मैं 524 रुपये में बेचता हूं तो मुझे क्या हो रहा है? लाभ। और 452 रुपये में बेचता हूं तो क्या हो रही है? हानि। अब दोनों इक्वल मुझे दे रखे हैं मेरे प्यारे साथियों, कितना इजी सवाल है। मैं उठा के इसको इधर ले आया तो 524 प्लस 452 बराबर x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x, x ये x इधर जाएगा तो प्लस का 4, 2, 6, 5 और 2, 7, 7, 5 और 4, 9 बराबर 2x है, तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों? 2 चौक 8 बचे 1, 2 अंटे 16, 2 अंटे 16। बताओ कौन बताएगा क्रयमूल्य कितना हो जाएगा? 488 रुपये। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? दोबारा सवाल को पढ़ रहा हूँ, 524 रुपये में बेच रहा हूँ तो लाभ, 452 रुपये में बेच रहा हूँ तो हानि। जितने रुपये का लाभ उतने रुपये की क्या हो जाएगी? हानि। लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर है। आइए मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया, डायरेक्टली मैं एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यदि लाभ और हानि बराबर दे रखा है तो दोनों को, दोनों विक्रयमूल्यों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, क्रयमूल्य आ जाएगा। दोनों विक्रयमूल्यों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपका क्रयमूल्य आ जाएगा। 100% ये लागू, सब पे नियम लागू होगा। लेकिन बेसिक सीखना जरूरी है, क्योंकि सवाल कैसा भी घुमा दे
तो ओरिजिनल बात को सीखना बहुत जरूरी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 के साथ जुड़ जाइएगा। बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी मैंने बढ़ा दी। देखना सवाल क्या है, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि प्रतिशत, 50 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है हानि, और वो भी किसमें दे रखा है परसेंटेज में। पिछले वाले सवाल में क्या थी हानि केवल, 70 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत है। यदि 70 रुपए में बेचता हूं तो मुझे क्या होता है लाभ, और 50 रुपए में बेचता हूं तो क्या होती है हानि। जितने परसेंट हानि उतने परसेंट का क्या है लाभ, दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल। मुझसे पूछा है तो बताओ उस वस्तु पर उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपको यह बताना है कितने परसेंट का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों बराबर है, किसी की भी गणना कर दो। सबसे पहले मैं क्रेमुलन निकालूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा क्रेमुलन मैंने क्या मान लिया एक्स। अब एक मिनट के सुनो, हानि आप एक बात बताओ, ये परसेंटेज से गया परसेंटेज, चाहे हानि परसेंट आ जाए लाभ परसेंट आ जाए, चाहे हानि बराबर लाभ आ जाए, बात एक ही होती है। आप क्वेश्चन को घुमाया लेकिन आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन को ही घूमना है आपको नहीं घूमना है। आपको केवल यह ध्यान रखना है चाहे हानि परसेंट बराबर लाभ परसेंट आ जाए, चाहे हानि बराबर लाभ आ जाए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप लिखोगे तो भी क्या लिखोगे, हानि परसेंट का सूत्र क्या होता है हानि बटा क्रेमुलो गुणा 100, इसमें भी बटा क्रेमुलो गुणा 100 आएगा, तो क्रेमुलो से क्रेमुलो कैंसिल आउट और 100 से 100 कैंसिल आउट। आपको फाइनली ये बोलना है मेरे प्यारे साथियों, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट। हानि का सूत्र क्रेमुल माइनस विक्रेमुलो, तो क्रेमुलो कितना है एक्स माइनस 50 बराबर है, मैंने लाभ का सूत्र क्या बताया विक्रेमुलो माइनस क्रेमुलो, क्रेमुलो कितना है एक्स। पिछले वाला सवाल ही हो गया बिल्कुल। अब बताओ एक्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, 70 और 50 कितना हो गया 120, ये 2 से काटा मैंने, x बराबर कितना आ जाएगा 60, क्रेमुल मेरे पास आ गया 60। आपकी जो इच्छा करे वैसा फॉर्मूला लगा दो, लाभ परसेंट का लगा दो या हानि का। आप में से कौन बताएगा लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रेमुल गुणा 100। लाभ कब होगा, जब मैं 70 में बेचूंगा, 60 में मैंने कोई वस्तु खरीदी है, 70 में बेच रहा हूं तो मुझे कितने का लाभ 10 का, किस पर 60 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 2 से काटा 3 बार, 2 से 50 बार, ये आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3। बताओ कोई डाउट हो तो, कितना सिंपल सवाल है। लाभ परसेंट बोलेंगे तो भी 16 सही 2/3, हानि परसेंट बोलेंगे तो भी 16 सही 2/3, बिल्कुल इजी सवाल है साथियों। आप लोग जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हूं मैं। आप लोग प्लीज बताएं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अगले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, और अगला सवाल बहुत ही मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है मेरे प्यारे साथियों। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल 100% पूछा जाता है, SSC में निश्चित आता है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे ढंग से देखना। और समझ में नहीं आया तो मैं 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, इसलिए प्लीज कोशिश करना एक बार में समझने की। क्वेश्चन नंबर 38 देखना साथियों, क्या है सवाल ये देखा। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है 10%, तो 100 रुपये का माल कितने में सेल आउट कर रहा है 110 में। ओके, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, 100 रुपये का माल कितने में बेचता है 110 में। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, अब आप में से कौन बताएगा पहले कितने में खरीद रहा, 100 में, 4% कम में खरीदता मतलब कितने में 96 में, और 6 रुपये अधिक में बेचता है। मैंने क्या कहा, ये केवल एक काल्पनिक वैल्यू है, मैं सामान के कर रहा हूँ, 6 रुपये अधिक में बेचता है, ये वास्तविक चीज़ है, तो मैं इसको अलग लिख दूंगा, कितने रुपये का अंतर आ रहा है 6 रुपये का, ये अलग लिख दिया मैंने, 6 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता है। 18 सही 3/4% का क्या होता है मेरे प्यारे साथियों लाभ। अब आप में से कौन बताएगा, पुस्तक का क्रेमुल मुझसे पूछा है 100% की वैल्यू मुझे निकालनी है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग केवल इतनी सी बात देखने, देखो क्या सबसे पहली चीज, तो सवाल मैंने कोई वस्तु कितने में खरीदी थी 100 रुपये में, कितने में सेल आउट 110 में, यदि 4% कम में खरीदता हूँ कितने में 96 में, और 6 रुपये अधिक में बेचता हूँ, इन दोनों का अंतर कितने रुपये आएगा 6 रुपये, तो 18 सही 3/4% का क्या होता है मुझे लाभ होता है। 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन बनाता हूँ तो 3/16 होता है, 1/16 की आप जानती हो, 6 सही 1/4 होता है, 3 से गुणा ही तो करना है,
अब आप में से कौन बताएगा? ये 3/16 में निकाल लेता हूं, चाय प्रियो कह दो 96 रुपए का माल, 16 रुपए का माल 3 रुपए लाभ पे बेच रहा, मतलब 19/ कितने में बेच रहा है? 16 में, 16 × 6 = 96, 19 × 6 = 114 रुपये। ये लो, ये पहला विक्रय मूल्य है, ये दूसरा विक्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है? 6 रुपये। बताओ इन दोनों में कितने परसेंट का अंतर है? तो आप बोलोगे सर 4%। तो मेरे प्यारे साथियों मैं इधर लिख देता हूं, 4% इक्वल टू कितना दे रखा है? 6 रुपये। तो 1% बराबर 6/4, और आप जानते हो कि क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। तो आप लोग बोलोगे 6/4 × 100, और ये आपका आ गया कितनी बार? 25 बार, 25 × 6 करूंगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 150। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्वालिटी है, भयंकर वाली क्वालिटी है। एक सवाल और ऐसा का ऐसा लेके आ रहा हूं, 100 रुपये का माल 10% लाभ पे बेचा, कितने में बेचा? 110 में। 4% कम में खरीदता, मतलब कितने में खरीदता? 96 में। और 6 रुपये अधिक में बेचता है, ये वास्तविक मान है, इससे अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 18 × 3/4% का लाभ होता है, 18 × 3/4% की फ्रैक्शन बनाता हूं, 3/16, 16 रुपये का माल 3 रुपये लाभ पे बेच रहा हूं, मतलब कितने बेच रहा हूं? 19/16, 16 × 6 = 96, 19 × 6 = 114, 114 रुपये में बेच रहा हूं अब मैं। तो पहले में और अब में कितने रुपए का अंतर है? 6 रुपये का, जबकि आ कितना रिया? 4% का, 4% इक्वल टू 6, तो 1% बराबर 6/4, तो 100% बराबर 150 रुपये इज द करेक्ट आंसर। एक और सवाल ऐसा कैसा, सेम टू सेम जुड़े रहेंगे दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी मोस्ट है, आप लोग इसको आता 100%, अगले सवाल के साथ बने रहे, थैंक यू। तो अगला सवाल बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार का जब लेके आ रहा हूं आपके सामने, केवल संख्याएं परिवर्तित कर रहा हूं, देखना आप लोग समझने की कोशिश करना। अगला सवाल है, ये आपका सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखना साथियों क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल ये लगा चुका हूं मैं स्क्रीन पर, देखेंगे आप लोग। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 100 रुपये का माल 110 में बेचता है, 10% लाभ पे बेचता है, मतलब 110 में बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा होता मतलब कितने में? 90 में। और 2 रुपये कम में बेचा होता, मेरे प्यारे साथियों 2 रुपये कम दे रखा है, 2 रुपये कम, ये वास्तविक बात है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इससे तो तुलना करनी है आपको, पहले के विक्रय मूल्य में आपके विक्रय मूल्य में 2 रुपये का अंतर दे रखा है, 2 रुपये कम लिख दिया मैंने, ये लो चाहे माइनस का चिन्ह लगा दो, बात तो एक ही है। तो 16 × 2/3% का लाभ होता है, 16 × 2/3% का मुझे क्या होता है? लाभ होता है। अब आपसे ये पूछा है उपभोक्ता वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, बताओ मुझे क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। आइए साथियों कितना जी सवाल है, 16 × 2/3% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो आपके पास बन जाएगी 1/6, 6 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पर बेच रहा है, तो 96, 6 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पर, तो ये क्या हो जाएगा? 7/6, ये 16 × 16 = 70 कितना हो जाएगा? 112। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा? देखना ये तो ज्यादा आ रहा है, 2 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं यार, सवाल में क्या कह रहा है एक बार दोबारा से पढ़ता हूं, देखना आप में से कौन बताएगा, देखना कोशिश करना बात को समझने की। सॉरी मैंने थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी थी, इधर देखना साथियों ये 90 है, ये 90 है, मैंने 96 लिख दिया, तो 15 × 6 = 90, ये 15 बार कैंसिल आउट होगा, 15 × 7 = 105, 105। मैथ में यही तो बड़ी सुविधा मिलती है आप लोगों को, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा, सवाल ने क्या बोला 2 रुपये कम, मैंने जब पहले कैलकुलेशन की तो ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो आइए साथियों 110 रुपये का माल 100, अब पहले 110 में बेच रहा था, अब 105 में, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? 5%, जबकि देख कितना रखा 2 रुपये, तो 1% बराबर 2/5, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%, तो मैंने ये लिख दिया 100%, तो 2/5 × क्या हो जाएगा? 100, ये 5 से कितनी बार? 20 बार, 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40। बताओ कितना सिंपल सवाल, बिल्कुल इजी वे में आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर तो कर दीजिएगा वीडियो को। एक सवाल की और प्रैक्टिस करवा देता हूं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, और आनंद आ जाएगा। मैंने क्या कहा, सवाल मोस्ट है, इसलिए मैं जो सवाल मोस्ट है उसके लिए बार बार मैं प्रयास करूंगा, आप लोग भी समझने की कोशिश करना। सेम पैटर्न का सेम सवाल,
क्वेश्चन नंबर 40 देखना साथियों, क्या है सवाल देख लो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, बिल्कुल सेम 100 रुपए का माल 15% लाभ पर, मतलब कितने में बेचा? 115 में। यदि उसने 25% कम मूल्य पर खरीदा होता, कितने में खरीदा होता? 75 में। ओके, और 600 रुपए कम में बेचा होता, पहले के में और अब में कितने रुपए का अंतर है? 600 रुपए कम। ओके, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। 16 सही 2/3% का क्या होता? लाभ। बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? आइए साथियों, 16 सही 2/3% का क्या होता? लाभ। अब 16 सही 2/3% की मुझे फ्रैक्शन बनानी है, बस आप लोगों को कोई बात ध्यान नहीं रखनी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, आप में से कौन बताएगा? 1/6। 16 सही 2/3% का मुझे क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है। सॉरी, 16 सही 2/3 का नहीं है यार, 32% का लाभ होता है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन पढ़ा, अभी मैंने स्क्रीन पर देखा, थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई। और क्या है कि आज गांव से आया हूँ ना, अभी अगला सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट सवाल, थोड़ी मिस्टेक हो रही है लिखने में, देखने में परेशान हो रहा हूँ, गाँव से आया हूँ तो इसलिए प्लीज। 32% का लाभ होता है ऐसा लिखा हुआ है। अब आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? मुझे बताना, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो। 100 रुपये का घोड़ा मैंने कितने में बेचा? 115 में। यदि मैं 25% कम में खरीदता हूँ, यदि मैं 25% कम में खरीदता हूँ, 600 रुपये कम में बेचता हूँ, तो मुझे 32% का लाभ होता है। अब आप सीधा सीधा से बोलेंगे 32% की फ्रैक्शन, 32/100 चार से काट दिया, 25 रुपये का घोड़ा 8% 8 रुपये लाभ पे बेच रहा हूँ, तो बताओ 75/100 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 और 8 33/25 25 75 33 99। अब आपसे क्या पूछा है? बताओ घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों, मुझे क्या बताना? घोड़े का क्रय मूल्य बताना है, तो सभी विद्यार्थी गौर करना। पहले ये 99, चाहे आप यहां पे लिख दो, ये 99 यहां पे लिख देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा? 600। बताओ 16% बराबर 16% का तो डिफरेंस आया है, बराबर 600 रुपये। तो 1% बराबर 600/ नीचे क्या आ जाएगा? 16। तो 100% बराबर, बताएंगे इसको 100 से गुणा कर देता हूँ, 4 से 25 बार, 4 से ये 4 बार, ये 15 बार, ये आ जाएगा 15 5 75, 25 5 125, बचे 11, 25 से कम 25, और 25 5 125 हासिल के 12, ये हो जाएगा 37 और 0। ये आपका आंसर। कितने में खरीदा घोड़ा? 3,750 रुपये। बताओ बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लास्ट बार तीसरी बार समझा रहा हूं। 100 रुपये का घोड़ा 15% लाभ पे बेचा, तो कितने में बेचा? 115 में। यदि 25% कम में खरीदता है, 600 रुपये कम में बेचता है, तो उसे 32% का लाभ होता है। 32% की फ्रैक्शन 32/100 8/25। 8/25 का मतलब क्या हो गया? 25 रुपये का माल 8 रुपये लाभ पे बेच रहा हूँ, तो 33/25 पे बेच रहा हूँ। ये मैंने काटा 3 बार, 33 और 99, 115 में पहला बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हूँ? 99 में। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? 16% बराबर 600, तो 1% और आपका 100% बराबर। बताओ कोई डाउट्स? थैंक यू सो मच दोस्तों, आज परेशान हो रहा हूँ, आज की क्लास यही रहेगी। थैंक यू सभी विद्यार्थियों को, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, राम राम।